Welcome back to my channel. My name is Jyoti Sethi. So today's video is going to be about how I transformed this very simple old looking furniture into a very very new and modern looking furniture. So the things you're going to need for this project are sticky wallpapers, a pair of scissors and a card. That's it. I bought these wallpapers from Shein app. You can use my coupon code which is given in the description box below and get a discount of Rs 200 on the purchase of or above Rs 2000. Yes. So yeah, let's not waste any time and quickly get into the video and show you how I did this. So, सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले मेक श्योर कि जिस भी फर्नीचर के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको एक ड्राई कपड़े से साफ करके सारी डस्ट निकाल लें। उसके बाद मैं पेपर की ये पहली शीट लेके उसका पीछे का पेपर हटा रही हूँ और उसे इस तरीके से चिपकाना शुरू कर रही हूँ। अगर आप इसे इस तरह कार्ड की हेल्प से लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी और सफाई से फर्नीचर पर लगेगा और बीच में कोई बबल्स या कोई क्रीज नहीं पड़ेगी। जस्ट कीप रिपीटिंग द प्रोसेस और एक शीट को दूसरी शीट के बिल्कुल साथ मिलाते हुए दूसरी शीट को लगाएं। अब मैं इस पोर्शन से सबसे पहले कोई भी जो नॉब्स या हैंडल्स हैं उनको रिमूव करके साइड पे रख रही हूँ और फिर उस प्रोसेस को स्टार्ट कर रही हूँ। आप शीट्स को चिपकाने से पहले भी काट सकते हैं फर्नीचर के साइज़ के हिसाब से या चिपका के बाद में भी काट सकते हैं। मैंने एक्चुअली दोनों तरीके यूज़ किए। मुझे पहले साइज़ कट करके लगाना ज़्यादा बेटर लगा, थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया काम। और फिर जब शीट लग जाएं तो नॉब्स को वापस उनकी जगह पे लगा दें। प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, बहुत क्लीन तरीके से काम होगा। और हमारी ये साइड तैयार हो गई है। आई एम गोना रिपीट द सेम प्रोसेस विद दिस साइड आल्सो एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक करंटली। Okay, now let's just take a look at the before and this is the after.
So yeah, this is it. Thank you so much. I really hope that you liked how I transformed this piece of furniture. If you did, then please let me know in the comments. And if you did not, then also please let me know in the comments. And yeah, do not forget to subscribe to my channel. And I love you guys. Thank you so much.